हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौहत्तर चुनाव अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित। चौहत्तर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक IAS अधिकारी अमित सैनी ने बुधवार को चुनाव अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव संबंधित हर एक पहलू पर जानकारी प्राप्त की। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र यादव ने बूथ केंद्र सेक्टर FST SST VVT संबंधित जानकारी दी। जानकारी देते हुए बूथ केंद्रों से जुटाई गई व्यवस्थाओं आवश्यकताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की। वही CEO सुरेंद्र कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति व कंट्रोल से अवगत करवाया। चुनाव पर्यवेक्षक अमित सैनी संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सुचारू एवं शांतिपूर्वक ढंग से समय सीमा के भीतर समाप्त करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया। उन्होंने सभी छोटे छोटे पहलुओं पर सभी का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि पर एक लक्की मेले का आयोजन होता है विरात्रा माता मंदिर में, वहां पर हमने स्क्रीन डिस्प्ले किया, उसके वीडियो भी हमारे पास हैं, हमने स्टेट लेवल पर भी वो भेजे थे। और उसके अलावा वहां पर जो भी श्रद्धालु आए उन सभी को हमने प्रयास किया कि मैक्सिमम इसका मशीन का EVM का मशीन प्रयोग करके देखें और अपना वोट कास्ट करके देखें। तो वहां पर लगभग 70-80 हज़ार लोगों ने 3 दिन में वोट कास्ट करके देखे थे। तो इस तरीके से मोर देन 1,25,000 के अप्रोक्सीमेट लोगों ने अपना VVPAT और EVM का प्रयोग करेगा। इसके साथ साथ जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए वहाँ पर डिमांड हमारे पास 6 व्हीलचेयर आ चुकी हैं, अभी और व्हीलचेयर्स भी आनी है। तो जहाँ पर ऐसे PWD वोटर्स ज़्यादा हैं जो चलने में अक्षम हैं, ऐसी टोटल हमारे 89 की लिस्ट बनी है जिनके लिए व्हीकल डिमांड भी की गई है और व्हीलचेयर की डिमांड भी की गई है जो चलने में अक्षम है। उसमें से ज्यादा जहाँ पर हैं ऐसे हमने चिन्हित भी, ऐसी चीजें हैं कि वहाँ यूनिफॉर्म के बगैर कोई आदमी को डराना पॉसिबल नहीं होता, करता यूनिफॉर्म से ही है, बाकी सब ऐसे ही है। मैं GST देखता हूँ, चाहे मैं GST का बड़ा बड़ा लिख लू, व्यापारी कितना भी डर रहा हो वैसे, लेकिन जब गाड़ी रोकने की बारी आती है, ट्रक रोकने की, तो यूनिफॉर्म लगती है। यहाँ एक तो फ्लैग मार्च सभी क्रिटिकल और जो वल्नरेबल हैं उन पे वो किया जा चुका है, 100% हो चुका है सर। दूसरा ये है कि तमाम हथियार जो हैं वो जमा करवाए जा चुके हैं, अच्छा 100%। और उसके अलावा हमने नई HS खोली हैं सर, वो सब थानावार जो हैं बाद में आपके समक्ष प्रेजेंट करेंगे सर। और पुराने जितने भी इंटिमिडेटर्स भी हैं और नए भी हैं और ऑल HS जितने भी इंस्टीट्यूटर्स हैं सबको पाबंद करवाने की कार्रवाई ऑप्शन रूप से करवाई गई है। इस तरह की कार्रवाई जो है प्रिवेंटिव एक्शन में, उसमें भी भरपूर जो आंकड़े हैं अच्छे हैं सर, अच्छा काम किया गया है फील्ड में। रात्रिकालीन सभी SHO जो हैं स्वयं तो नहीं होगा ना, आई होप क्योंकि अगर अभी है तो आप हमें अभी बताएं ताकि हम चेंज करवा सकें। SDM महोदय, RO महोदय, सेक्टर ऑफिसर की एक दूसरी बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है कि वहां पर वोटर असिस्टेंस बूथ लगना चाहिए जिस दिन पोलिंग हो। हम लोग आपसे एक बार दोबारा मिलूंगा, मैं ऐसी ही मीटिंग हम एक बार और करेंगे पोलिंग से पहले। वोटर असिस्टेंट बूथ को लेकर मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा। कोई वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है क्या यहाँ पे? ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन नहीं, वोटर तो कॉमन ही रहेंगे, पर वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है क्या जहाँ केवल लेडीज ही है? PRO PO1 PO2 PO3 सिर्फ लेडीज हैं, ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन है आपके यहाँ क्या? तो किस सेक्टर ऑफिसर के अंदर है वो बताना मत, जरा देखें। चौहत्तर से जागरूक TV की रिपोर्ट।